हल्का एक टक लगाइए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है टलस का कंप्रेसर है और इंजन ड्यूट्स B4L 2012 मॉडल का इंजन है। दोस्तों इंजन घूम नहीं रहा था तो अभी मैं इसको आया हूँ चेक करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं तो अभी इसका जो प्रॉब्लम फॉल्ट है मैंने डायग्नोस कर लिया है दोस्तों। आइए आपको दिखाते हैं और इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आपको इंजन दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका जो रॉकर आर्म है हमने ऑलरेडी इसको खोल लिया है। तो हमने रॉकर आर्म खोलने से पहले इंजन को स्टार्ट करने का कोशिश किया दोस्तों, स्टार्ट नहीं हुआ। इंजन हमारा जो है एक रोटेशन लेता है फिर उसके बाद आकर एक यहाँ पर स्टॉप हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसका जो रॉकर आर्म है ऑलरेडी खोल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये वाल के स्प्रिंग है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग ऑलरेडी जो है इसका डैमेज हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये वाल का एरिया, वाल बिल्कुल टोटली फिनिश हो चुका है, डैमेज है। और इसको लॉक निकलने की वजह से यहाँ पर पिस्टन ने जो है वाल को मारा हुआ है, इसलिए देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल डैमेज हो चुका है। दोस्तों ये फॉल्ट आया क्यों और इंशाल्लाह मैं इसी रिलेटेड में आपको बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसके इंटरनल में यहाँ पर जो इसका टाइमिंग कवर होता है यहाँ पर जो है टाइमिंग बेल्ट होता है दोस्तों, ये गियर पे नहीं होता, ये बेल्ट पे होता है। क्यों, अगर काफ़ी टाइम से अगर हम लोग इसको रनिंग में हमारे को मालूम नहीं पड़ता वो अगर बेल्ट टूट जाता है, जिसको जैसे हमारा जो है वाल अगर बेल्ट टूट जाएगा उसके बावजूद अगर हम उसको इंजन को बार बार स्टार्ट करेंगे उसके वजह से क्या होता है कि हमारा पुश रॉड और हमारा वाल जो है बैंड हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा इंजन जाम हो जाता है। तो यहाँ पर इसको काफ़ी टाइम तक इसको ट्राई किया गया, स्टार्ट करने को कोशिश किया गया, इसकी वजह से जो है ना ये सारे प्रॉब्लम आया। हो सकता है अभी इंजन में इसको कंप्लीट खोलूंगा, हो सकता है कि इसके इंटरनल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इसका पिस्टन भी डैमेज होगा। तो इसकी वजह से मुझे कंप्लीट इंजन को डिसअसेंबल करना पड़ेगा और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। तो देख सकते हैं आप लोग, तो इंजन घूम नहीं रहा, देखिए वहाँ से लगाइए एक बार इंजन को, एक रोटेशन घुमाइए देखिए। दोस्तों अभी हमने इसका जो रॉकर आर्म है खोल दिया है और इसको इंजन को हम एक बार वन राउंड इसको घुमाएंगे टीडी से बीडी से वन राउंड लगाइए, फोर्स लगाइए थोड़ा इधर। देख सकते हैं दोस्त, तो अभी इंजन को हम ट्राई कर रहे हैं घुमाने के लिए। टाइट घूम, तो आप लोग देख सकते हैं इंजन हमारा घूम नहीं रहा है और टाइट भी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टोटली इलेक्ट्रॉनिक इंजन है और इलेक्ट्रॉनिक पे वर्क करता है इसके। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा डीजल पंप है, इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं इसके डीजल पंप का, और इसका भी एक टाइमिंग होता है दोस्तों। ये पंप जो हमारा फ्यूल डीजल पंप होता है इसका भी अपना टाइमिंग होता है दोस्तों। इंशाल्लाह इसका भी टाइमिंग और इंजन का भी टाइमिंग कैसे इसको एडजस्ट करते हैं इंशाल्लाह इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा। घुमाइए इंजन स्टार्ट की, हल्का एक टक लगाइए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी हमने इंजन को घुमाया तो किस तरीके का इंजन में साउंड आया है। तो इसका जो इंशाल्लाह दोस्तों इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों दुआ खैर में याद रखिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।